टाइटल स्पॉन्सर हैं जालना प्रीमियर लीग के कालिका स्टील। बहुत शानदार तरीके से यहां पर फ्लिक किया, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से ये लगा शानदार। बहुत जल्दी उन्होंने भापा, नाम है उनका सचिन सापा। उन्होंने इरादा किया पक्का और मार दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। स्वागत किया वाघमारे का, रन संख्या पहुंच गई 7 रनों पर। बड़ा शानदार ये फ्लिक स्ट्रोक था स्क्वायर लेग के ऊपर से। जीत के लिए 100 रन बनाने हैं। इसी बीच शुभम वाघमारे की ये गेंद ऑन साइड में उसे मोड़ा, फिर से डीप स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद दोबारा फील्ड हो, एक रन लेने का मौका। इस एक रन की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंची 8 रनों पर। और अब पहली बार स्ट्राइक पर होंगे, इस इनिंग में अपनी पहली गेंद फेस करेंगे रमन्ना नंदगिरी। कल के पहले मुकाबले में बहुत जल्दी आउट हुए थे, बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे थे। लीड कर रहे हैं टीम को, टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं, अच्छी कप्तानी आज उनकी रही है। इसे भी शुभम चले, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, एक खिलाड़ी है और शानदार कैच मिड ऑफ पर। रमन्ना नंदगिरी कल भी शून्य पर और आज भी शून्य पर। सफलता मिली यहां पर, लेकिन थोड़ी सी रेंज में थी, ऊपर की थी, ऑफ्रम से बाहर। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया, जितना एलिवेशन वे चाह रहे थे उतना एलिवेशन मिला नहीं। और अच्छा कैच पंजों के बल उछलते हुए मिड ऑफ पर लपका ओम राउत ने। पहली सफलता मिली शुभम वाघमारे को। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं संतोष जाधव। जो 2 खिलाड़ी बाहर रखे हैं, एक है डीप थर्ड मैन बाउंड्री पर और दूसरे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक खिलाड़ी हैं। ऑफसाइड की फील्ड पर नजर डाले तो 6 खिलाड़ी ऑफसाइड में हैं, 3 है ऑन साइड में। इसके बाद जो आज का दिन रात्रि का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा ठीक 7:30 बजे, जिसकी शुरुआत होगी, वो मुकाबला होगा सौदागर कंस्ट्रक्शन वर्सेस पाकिजा राज ग्रुप के बीच। उस शानदार मुकाबले के टॉस के लिए हमारे शानदार गेस्ट हैं, प्रमुख अतिथि, मेन चीफ गेस्ट, मेहमान खुसूसी जनाब रशीद पहलवान साहब। इन्हीं के शुभातों से उस मुकाबले का सिक्का उछाला जाएगा, वो होंगे हमारे गेस्ट। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। ये देखिए क्या गेंद थी, गुड लेंथ पर टिप्पा खाया और कोन बनाती हुई थोड़ा सा बाहर की ओर निकलती हुई, कांटा बदलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, अच्छा उछाल भी। ये पारी का पहला ओवर है जिसको कर रहे हैं शुभम वाघमारे। इस बार उछाल था ऑफ और मिडल की गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, कवर के ऊपर से सफल नहीं, ओवर समाप्त हुआ सफल ओवर। इस ओवर से 8 रन खर्च किए शुभम वाघमारे ने, एक बेहतरीन सफलता उनको मिली जब उन्होंने रमन्ना नंदगिरी को मिड ऑफ पर लपकवाया था ओम राउत के हाथों में। बजाइए।
सभी मुकाबले आपको शानदार क्लियरिटी के साथ दिखाए जा रहे हैं। टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर इन मुकाबलों का आप आनंद ले सकते हैं। बड़ू बटूरे आए हैं दूसरा ओवर लेकर। कैमरामैन हमारे जितेंद्र पवार, दूसरे कैमरामैन तुषार वारसे। यहां पर एक और हमारे मिक्सर मैन संदेश कंटे, ये सब यूट्यूब की टीम है। मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं अंपायर सूरज गायकवाड़ सर और उनके साथ हैं दत्ता बड़गू सर। तीसरे अंपायर हैं सैयद सरफराज सर। इस बार गेंद को रोकना चाह रहे थे, सफल नहीं और गेंद बाउंड्री से बाहर निकल गई। थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। उसी तरह मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर हैं अरसलान बागवान, उनके साथ मैनुअल स्कोरर कैफ काजी। आप सभी का स्वागत करता हूं और चलते हैं अब मुकाबले की तरफ। ये मुकाबला खेला जा रहा है पीके स्ट्राइकर वर्सेस दालमिया इलेवन के बीच। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, अच्छी लाइन और लंबाई की ये गेंद थी, अच्छा खासा उछाल भी, शॉर्ट ऑफ गुड लेन। छोटे कद के खिलाड़ी हैं सचिन सापा, युवा खिलाड़ी हैं। युवा खिलाड़ी हैं सचिन। इस बार पंजों के बल उछलते हुए अपर कट के अंदाज में खेलने का प्रयास था पॉइंट के सर के ऊपर से, लेकिन गेंद में उछाल अधिक था, गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बाड़ू बडूरे गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 12, एक विकेट के नुकसान पर बाड़ू चले। ये गेंद फिर से बहुत शानदार गेंद, अच्छी लाइन इन्होंने पकड़ी है, अच्छा टिप्पा, अच्छी दिशा में गेंदबाजी बाड़ू बटूरे कर रहे हैं। पीके स्ट्राइकर हालांकि बहुत स्ट्रांग टीम नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में क्रम में गलतियां उनसे हो रही हैं। मौका उनके पास है और भी है सुधार का। ये गेंद पैरों पर थी, बैटर पैड को साथ मिलाते उसे खेला। ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर से 4 रन आए हैं एक बाउंड्री के सहारे, जो मिस फील्ड के कारण बाउंड्री मिली थी। अच्छा ओवर रहा बाड़ू बडूरे का। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12, एक विकेट के नुकसान पर। 2 gone, 12 loss of 1। धीरे धीरे अब फ्लड लाइट्स ऑन हो रहे हैं, बहुत सुंदर ये नजारा आप देख रहे हैं। इसके बाद जो मुकाबला होगा सौदागर कंस्ट्रक्शन वर्सेस पाकिजा राज ग्रुप के बीच, उस मुकाबले के टॉस के लिए हमारे गेस्ट होंगे जनाब रशीद पहलवान साहब, उन्हीं के शुभ हाथों से मैच का टॉस होगा। ये गेंद बड़ी खतरनाक थी, लेग स्टंप पर पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर आ रही थी, नीचे रहती हुई बल्ले को सीधा करते हुए उस गेंद को केवल रोका संतोष जाधव ने। शुभम वाघमारे कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया, गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन और मिड डीप मिड विकेट के बीच से, नहीं रुकेगी गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन, शानदार चौका संतोष जाधव के बल्ले से। जब चौका लगे, सिक्सर लगे या विकेट गिरे, तब म्यूजिक आप बजाया करें।
जी नहीं जी, कुछ समय के लिए इन्हें रोका गया जी। रन संख्या 16 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर पारी का यह तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, जिसको कर रहे हैं शुभम वाघमारे। पहले गेंदबाज ने वक्त लिया, अब बारी थी बल्लेबाज की, उन्होंने भी अब वक्त लिया। बहुत तेज गेंद, तेज रफ्तार से शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, विकेटों के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर के दस्ताना में। अच्छी गति, अच्छी लाइन और लेंथ पर यह गेंद थी। यह मैंडेटरी पावर प्ले का तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। इस बार थोड़ी सी शॉट, उसे खेला पॉइंट के सर के ऊपर से, गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, तीन खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, गेंद जीत गई, खिलाड़ी हार गए और गेंद बाउंड्री से बाहर, चार रन, शानदार चौका। इन चार रनों की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंची 20 रनों पर। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद थी, मौका मिला, बैकफुट पर गए और जानते थे संतोष की गेंद यहां पर, खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे, शॉर्ट कवर और पॉइंट के खिलाड़ी, उसका फायदा उठाते हुए जानबूझकर यह हवा में स्ट्रोक खेला था। चार रन उन्हें मिले। इस बार भी थोड़ी सी छोटी गेंद और दौड़ पड़े रन के लिए, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़े। अच्छा साथ दिया सचिन सापा ने संतोष का इस रन को चुराने में। रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 21 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 100 रन बनाने हैं, 90 गेंदों का यह खेल है, 15 ओवर का मुकाबला। युवा खिलाड़ी इस समय स्ट्राइक पर 16 वर्षीय सचिन सापा। टकरा नहीं दिया इस गेंद को, केवल दिशा दिखाई थर्ड मैन पर, लेकिन भेद नहीं पाएंगे, अच्छी फील्डिंग वहां पर। ओवर हुआ समाप्त शुभम वाघमारे का। इस ओवर से 9 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर दालमिया 11 का स्कोर है 21, एक विकेट के नुकसान पर। औसत जो चल रहा है वो है 7.00 का। अच्छी शुरुआत। यहां पर अगर मुकाबले में कुछ हद तक वापसी करनी है तो विकेटें चटकानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी पीके स्ट्राइकर की। लेकिन जिस तरह बल्लेबाज वक्त बिताते गए क्रीज पर और दो चार ओवर वे अगर और खेल जाते हैं, विकेट नहीं मिलती है, तो फिर पकड़ उनकी भी मजबूत होगी दालमिया 11 के इस मुकाबले पर। यहां पर विकेट की आवश्यकता पीके स्ट्राइकर को। इसी कश्मकश गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं बाड़ू बडूरे। ये लीजिए विकेट, इसको कहते हैं कमेंटेटर कट्स, विकेट की तलाश और गेंद को खेला सीधा शॉर्ट कवर के हाथों में। अच्छा कैच पकड़ा शुभम दुग्गड़ ने, आउट होकर के वापस जा रहे हैं संतोष जाधव, विकेट नंबर 2। बाड़ू बडूरे को सफलता मिली। ये गेंद ऑफ टर्न से थोड़ा सा बाहर थी, ज्यादा रूम था नहीं, खड़े खड़े इस गेंद को खेला, बिना फुटवर्क का इस्तेमाल किए हुए सीधा खेल बैठे शॉर्ट कवर के हाथों में। कोई गलती नहीं की वहां पर शुभम दुग्गड़ ने, बिल्कुल तैयार थे वो इस कैच के लिए। कल जरूर यहां इस मैदान पर रात्रि में कल हल्की हल्की वर्षा हुई थी, उसके कारण आज ज्यादा रन सुबह से ही नहीं बन रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं ऋषिकेश काले, लंबे ऊंचे कद के, जिन्होंने कल शानदार पारी खेली थी। कल जिन्होंने बहुत शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी, ऐसे बल्लेबाज ऋषिकेश काले मैदान पर आए हैं। बाड़ू बडूरे को सफलता मिली है।
रन संख्या अभी भी 21 रनों पर। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद नीचे रही, इस बार उसे स्टीयर किया था गली की दिशा में, दौड़ पड़े एक रन के लिए। खाता खुला ऋषिकेश काले का, ऋषि ओपन इज अकाउंट, नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 22, लॉस ऑफ 2 एंड फोर्थ ओवर इन दिस प्रोग्रेस बाय बाड़ू बडूरे। ये पारी का चौथा ओवर प्रगति पथ पर, चौथा और अंतिम ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का, 15 ओवर का मुकाबला है। पहले 4 ओवर कंटिन्यू मैंडेटरी पावर प्ले के और 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले है। शरीर से दूर खेलने का प्रयास में बीट हुए, गेंद ऑफ से बाहर निकल गई। छेड़खानी का प्रयास कर रहे थे, ऑफ के बाहर जाती गेंद को। युवा खिलाड़ी हैं सचिन सापा, अच्छी तकनीक उनके। हेलो, हेलो, ये गेंद से खेला था थोड़ी देर हवा में, मिडऑन के खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। जब जोर की आवाज लगी तब वे थोड़े से जागे, गेंद उनके पहुंच से थोड़ा आगे थी, लेकिन किसी भी हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ता है यदि मुकाबला जीतना हो। रन संख्या 22, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बाड़ू बडूरे। मैंडेटरी पावर प्ले की अंतिम गेंद, वाइट का इशारा हुआ ऑफ स्टंप से बाहर। रन संख्या पहुंच गई 23 रनों पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी पीके स्ट्राइकर ने, और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में उन्होंने 8 विकेट के नुकसान पर रन बनाए 99। जीत के लिए लक्ष्य रखा 100 रनों का, उसका पीछा करने के लिए जोड़ी मैदान पर उतरी थी रमन्ना नंदगिरी और उनके साथ सचिन सापा। सचिन अभी भी जमे हुए हैं, रमन्ना आज भी अपना खाता नहीं खोल पाए, जल्दी आउट हुए। हालांकि बहुत शानदार खिलाड़ी हैं रमन्ना नंदगिरी। 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन।
एक और विकेट यहां पर गवाया आदित्य बगड़िया, बोल्ड हुए, आते ही सफलता दिलाई विनोद पवार ने। विकेट नंबर 4, या ये क्या हो रहा है मेरे यार, मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है, बड़ा जबरदस्त मुकाबला होता हुआ। 100 रन का बचाव देखना ये कर पाएगी पीके स्ट्राइकर्स, या फिर कितने ओवरों में ये लक्ष्य हासिल करेगी डालमिया 11। कल वर्षा होने के कारण कहीं ना कहीं आज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, अनुभवी खिलाड़ी टीम के कप्तान मनोज भगत मैदान पर। पच्चीस रन पर 4 विकेटें गवा चुकी हैं डालमिया 11। शुभम वाघमारे ने भी बहुत अच्छा स्टार्ट दिलाया, तैयार है विनोद पवार, लंबे ऊंचे कद के, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग, राइट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से। ये गेंद बड़ी खतरनाक गेंद थी, वहां पर उसे खेला जरूर, फाइन निकल गई बहुत ही, और नहीं रुकेगी, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। अंदरूनी किनारा, इनसाइड एज, बैट और दोनों पैरों के बीच से बड़ा गैप यहां पर साफ दिखाई दिया, बल्ले से लगने के बाद दोनों टांगों के बीच से यह गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, लकी चौका। रन संख्या पहुंच गई 29 रनों पर, खाता खोला मनोज भगत का, बाउंड्री लगाकर उन्होंने खाता खोला। टीम को लीड कर रहे हैं, कप्तान है मनोज भगत डालमिया 11 के। इस बार बैकफुट पे गए, उसे कट करने के प्रयास में बीट हुए, गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। शुभम वर्मा है विकेट कीपर, 3 गेंदे अभी भी शेष हैं इस ओवर में। विनोद चले, ये गेंद ऊपर थी जड़ में, ठीक तरह से बिडल नहीं कर पाए, बल्ले के निचले हिस्से टो से टकराई और वहीं पर लुटकी, दौड़ पड़े 1 रन के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन। रन संख्या पहुंच गई 30 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का छठा ओवर प्रगति पथ पर है, विनोद कर रहे हैं अपने कोटे का पहला ओवर, और अब स्ट्राइक पर ऋषिकेश काले, 3 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ग्लब्स के आसपास गेंद टकराई, गेंद गई ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में, विकेट कीपर को लंबा रास्ता तय करना था, दौड़ते गए वहां पर शुभम वर्मा, तब तक मौका था चहलकदमी करते हुए आसानी से एक सिंगल लेकर अपना छोर बदलने का ऋषि के पास। ऋषि पहुंच गए 3 रनों पर और स्कोर को उन्होंने पहुंचाया 31 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर मनोज भगत, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद, सफल ओवर समाप्त हुआ विनोद पवार का। इस ओवर से अगर देखा जाए तो 6 रन खर्च हुए, लेकिन एक सफलता भी उन्होंने अपनी टीम को दिलाई। कुल मिलाकर पारी के 6 ओवर समाप्त हुए, डालमिया 11 का स्कोर 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए यहां से और 54 गेंदें बची हैं, 54 गेंदों पर जीत के लिए रन चाहिए 69।
54 ball to left and 69 required to win by Dalmia 11. गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हो रहा है. शुभम दुग्गड़ आए हैं, बड़े अच्छे गेंदबाज हैं. पहली बार कप्तान ने इन्हें आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए. शुभम आए हैं गेंदबाजी के लिए. ये जो गाड़ी का लाइट है वो बंद करो प्लीज, सहकार्य करें. शुभम चले. ये गेंद से खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है. फील्ड किया गया गेंद को, थ्रो हुआ लेकिन थ्रो किया नहीं, दौड़ पड़े एक रन के लिए. बहुत अच्छी फील्डिंग. रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 32 रनों पर. प्रतीक चौहान खड़े हैं गली में. बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंद, अच्छी गति और अच्छी लाइन और लंबाई की गेंद थी. गति और उछाल को परखने में यहां पर नाकाम रहे मनोज. नॉन स्ट्रेगेंट से निकल कर आए ऋषिकेश काले. कुछ कान मंत्रणा उन्होंने अपने कप्तान से की, अपना अनुभव शेयर करते हुए. उसके बाद मनोज भगत तैयार हैं. बहुत शानदार गेंद थी शुभम दुग्गड़ की. एक और तेज गेंद, अच्छा खासा उछाल. एक बाउंस का इशारा हो रहा है शुभम दुग्गड़ को. रन संख्या वहीं पर 32. यह मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों. अंतिम ओवर तक जबरदस्त संघर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा. इस बार इस गेंद को खेला फिर से पॉइंट की तरफ. प्रतीक चौहान थे फील्डर. गेंद को उन्होंने फील्ड किया, मौका था एक रन लेने का. भगत पहुंचे नॉन स्ट्राइक एंड पर और स्कोर को उन्होंने पहुंचाया 33 रनों पर. 33 लॉस ऑफ 4. पारी का ये सातवां ओवर प्रगति पथ पर है और अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं शुभम दुग्गड़. गेंद पंजों के बल उछलते उसे मोड़ा ऑन साइड में. शॉर्ट मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के बीच से जब तक गेंद फील्ड हो एक रन लेने का मौका. ऋषिकेश काले कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपना वक्त बिता रहे हैं विकेट पर. अभी अभी आए हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, तकनीक से भरपूर हैं. इस बार इस गेंद को मोड़ा, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर. चार रन मनोज भगत के बल्ले से यह शानदार चौका. अंतिम गेंद पर चौका, ओवर हुआ समाप्त. इस ओवर से एक बाउंड्री के सहारे 7 रन खर्च किए शुभम दुग्गड़ ने. कुल मिलाकर अब 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38 4 विकेट के नुकसान पर. 48 गेंदे यहां से और बची हैं, रन चाहिए 62. कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे विनोद पवार कमेंट्री बॉक्स साइड से. इस बार जानबूझकर गेंद को खेला, कट किया. बहुत ही फाइन
थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड करके लौटाए, एक रन लेने का मौका। रन संख्या पहुंच गई 39 रनों पर 39। इस बार बहुत खतरनाक गेंद पढ़कर अंदर की ओर आ रही थी, पूरी तरह से यहां पर गेंद ने चकमा दिया मनोज भगत को। फिर से एक बार तैयार हैं विनोद पवार, स्ट्रोक को हवा में खेला, गेंद आ रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, ओम राउत हैं फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करें एक रन, थोड़ी देर हवा में जरूर ये स्ट्रोक था लेकिन मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर खिलाड़ी था नहीं। रन संख्या 40 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, पारी का ये 8वां ओवर प्रगति पथ पर है, 15-15 ओवर के मुकाबले हैं, जीत के लिए 100 रन बनाने हैं। बहुत शानदार तरीके से इस गेंद को मोड़ा ऑन साइड में, पहला रन तेज लिया, दूसरा रन के लिए जाना चाह रहे थे, मना किया मनोज भगत ने, बिल्कुल सही निर्णय था मनोज का। अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं मनोज भगत, कप्तान हैं टीम के। इसके बाद जो आज का दिन रात्रि का तीसरा और अंतिम मुकाबला होगा, सौदागर कंस्ट्रक्शन वर्सेस पाकिजा राज ग्रुप, दोनों टीमें तैयार रहें। बहुत शानदार गेंद, स्कूप करने का प्रयास था फाइन लेग क्षेत्र में, सफल नहीं। दोनों कप्तान आ जाएं इसके बाद के मुकाबले के, पाकिजा राज ग्रुप के कप्तान, उसी तरह सौदागर कंस्ट्रक्शन के कप्तान आ जाएं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। नो बॉल का इशारा हुआ और जी हां, यहां पर जर्क करते हुए पाए गए विनोद पवार, फर्स्ट वार्निंग और फर्स्ट फ्रीट। इसके बाद यदि एक और गेंद अगर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप सभी को पता है कि क्या होगा। चौकन्नी नजरें अंपायरों की, फ्री हिट का इशारा हुआ है, मनोज भगत को फ्री हिट मिली है, नो बॉल का इशारा। इस बार गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, ओम जब तक गेंद को फील्ड करें, अंतिम गेंद पर एक रन, ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर से 5 रन खर्च किए विनोद पवार ने, अच्छा ओवर। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43, 4 विकेट के नुकसान पर। 5वें विकेट के लिए एक साझेदारी की कोशिश हो रही है ऋषिकेश काले और मनोज भगत के बीच। यहां से और 42 गेंदें बची हैं, रन चाहिए 57, 6 विकेटें हाथों में हैं। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हो रहा है, पहली बार बुलाए गए गेंदबाजी मार्ग पर आकाश लाखे। चलिए जल्दी आइए दोनों कप्तान, टीम लिस्ट लेकर जाएं। इसके बाद के मुकाबले के दोनों कप्तान, सौदागर कंस्ट्रक्शन के कप्तान भी और पाकिजा राज ग्रुप के कप्तान भी।
ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, पीछे हटकर खेलने के प्रयास में बीट हुए, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से होती हुई निकली विकेटकीपर शुभम वर्मा के दस्तानों में। दोनों कप्तान लिस्ट लेकर जाएं जल्दी से, प्लेइंग 11 की लिस्ट सबमिट करें। अब तक दोनों में से कोई भी कप्तान आया नहीं है। एक और बढ़िया गेंद, एक और शानदार गेंद, अच्छी लाइन और लंबाई की गेंद है। आकाश लाखे ने अच्छी शुरुआत की है इस ओवर में, दोनों गेंदे डॉट। मुकाबले में रोमांच बढ़ता हुआ। एक और शानदार गेंद, लगातार यहां पर बेहतरीन गेंदे करते हुए आकाश लाखे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज भगत, रन संख्या 43। एक और डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। यहां पर कहीं ना कहीं अब थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं मनोज भगत। इस ओवर की चारों गेंदे डॉट, बेहतरीन शुरुआत दिला चुके हैं इस ओवर से आकाश लाखे। इस बार गेंद रेंज में थी, उसे खेल डीप मिड विकेट क्षेत्र में, पहला रन तेज लिया, दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं, थ्रो हो रहा है लेकिन विकेट पर थ्रो लगा नहीं, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरा रन दौड़कर पूरा किया मनोज भगत और रशि काले ने। आखिरकार रन मिला इस ओवर में, दो रन, रन संख्या 45, चार विकेट के नुकसान पर पारी गई है। नौवां ओवर प्रगति पथ पर, नवे ओवर की संभवतः अंतिम गेंद। एक और डॉट गेंद, बढ़िया ओवर, इस ओवर से मात्र दो रन, बहुत शानदार ओवर आकाश लाखे का। नौ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है दालमिया 11 का 45 रन, चार विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर का मुकाबला है, इस हिसाब से अभी भी 36 गेंदे बची हैं और रन चाहिए 55, 36 गेंदे 55 रन। सौदागर कंस्ट्रक्शन के कप्तान आ जाएं, क्योंकि पाकिजा राज ग्रुप के कप्तान आ चुके हैं। सौदागर कंस्ट्रक्शन के कैप्टन जल्दी आए कमेंट्री बॉक्स की तरफ। विनोद पवार अपने कोटे का तीसरा और अंतिम ओवर करेंगे, यह होगा कुल पारी का 10वां ओवर। 36 गेंदे 55 रन, स्ट्राइक पर ऋषिकेश काले। ये गेंद सिक्स मोड ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, एक रन। ऋषिकेश काले का विकेट बहुत मायने रखता है दालमिया 11 के लिए,
काफी वे बढ़िया खिलाड़ी हैं। गति में परिवर्तन लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं, खराब गेंद कर बैठे विनोद पवार। व्हाइट का इशारा हुआ, दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है वाइड इस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, केवल एक रन। ऐसे एक रन की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंची 48 रनों पर। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ, ऑफ स्पिन से बाहर निकल रही थी, उसे कट करने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हुए ऋषिकेश काले। गेंद उनको छका कर पहुंची विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट गेंद। एक और शानदार गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बेहतरीन विकेट कीपिंग वहां पर शुभम वर्मा की, जितनी तारीफ करे उतनी कम, गजब की विकेट कीपिंग, लाजवाब। बहुत शानदार मुकाबला ये होता हुआ, इस मुकाबले में रोमांच लगातार बढ़ रहा है। इस बार रेंज में गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक, फील्डर मौजूद है वहां पर, रोकने का प्रयास सफल नहीं और छिटक गई गेंद बाउंड्री से बाहर, चार रन, पैरों से टकरा कर गेंद की दिशा बदली। ओम राउत थे फील्डर, बहुत तेज स्ट्रोक था, ऊपर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, विथ मिला, रूम मिला, फ्रंट पर जाते हुए बहुत शानदार ये स्ट्रोक खेला था, कवर और मिड ऑफ के बीच से चार रन मिले। अर्धशतक पूरा हुआ दालमिया 11 का, 52 रन। इस बार जानबूझकर इसे कट किया था थर्ड मैन क्षेत्र में, एक बाउंस के सहारे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, वापस किया, अंतिम गेंद पर एक सिंगल, ओवर हुआ समाप्त विनोद पवार का। कुल 10 ओवर पारी के समाप्त हुए, दालमिया 11 का स्कोर 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 10 गॉन 53 लॉस ऑफ 4। 5 ओवर का खेल बचा है, यानी बची है 30 गेंदें, और इन बची 30 गेंदों पर दालमिया 11 को चाहिए 47 रन, 6 विकेट है उनके हाथों में। अगर दालमिया 11 को मुकाबला जीतना है तो 30 गेंदों पर 47 रन उन्हें बनाने पड़ेंगे, या फिर दूसरी तरफ अगर मुकाबला जीतना है पीके स्ट्राइकर को तो विकेट उन्हें अब चटकानी पड़ेगी। विकेट यदि उन्हें ऋषिकेश काले की मिलती है तो एक मजबूत स्थिति में वे पहुंच सकती हैं, वापसी हो सकती है पीके स्ट्राइकर की। आकाश लाके इस बार ये लीजिए कमेंटेटर कट्स, बाहरी किनारा, उसे मिला विकेट कीपर का सहारा।
बहुत शानदार गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई अच्छी लाइन और लंबाई की गेंद, डॉट गेंद। अब प्रत्येक डॉट गेंद एक सवालिया निशान खड़ा करेगी दालमिया इलेवन के ऊपर। क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा। और यहां पर शायद ये हिट विकेट हुए हैं, पहले खिलाड़ी बने हैं इस टूर्नामेंट के हिट विकेट आउट होने वाले हैं, मनोज भगत। एक और विकेट मिला, छठी सफलता मिली यहां पर पीके स्ट्राइकर को और छठे विकेट का नुकसान हो रहा है दालमिया इलेवन को। मनोज भगत के आउट होने के बाद मैदान पर आए हैं विजय बोराडे, मैन फ्रॉम मंटा, कल के मैच के नायक। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी भी, और शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया था, इसके कारण वे मैन ऑफ द मैच रहे थे। फिलहाल यहां पर थोड़ी सी मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं पीके वॉरियर्स, पीके स्ट्राइकर्स, क्योंकि 25 गेंदे बची हैं, रन चाहिए 46, चार विकेट हाथों में। आकाश लाके को इसी ओवर में दूसरी सफलता मिली है। इस बार खेलने का प्रयास जरूर हुआ। सफल ओवर समाप्त हुआ, डॉट गेंद अंतिम गेंद। इस ओवर में दो शानदार सफलताएं अपनी टीम को दिलाई आकाश लाखे ने। 24 गेंदे यहां से अब बची हैं, रन चाहिए 46, रिक्वायर्ड रन रेट 11.51, यानी 11.5 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट है। ओवर में एक आध बाउंड्री की कोशिश करनी पड़ेगी दालमिया इलेवन को। ये जो डगआउट में कुर्सियां बाहर लेकर आप बैठे हैं, पीछे हो जाएं, और भी पीछे, देखिए मैच में प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा सा पीछे लें। शुभम दुग्गड़ आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से, बहुत अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, यह लगा शानदार जेपीएल सिक्सर सचिन डायमंड के बल्ले से, बिल्कुल सही समय पर यह सिक्सर आया है। यह सिक्सर एक टॉनिक का काम करेगा दालमिया इलेवन के लिए। 23 गेंदे 40 रन, कुल रन संख्या 60, 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार नो बॉल का इशारा हुआ और गिन जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, वहां पर थोड़े से फंबल, खिलाड़ी दौड़कर दूसरा रन भी पूरा किया, यानी 3 रन मिलेंगे, मिलेगी फ्री हिट। ये नो बॉल शायद जर्क के कारण, चौकन्नी नजरें अंपायरों की। अच्छी अंपायरिंग, चौकन्नी नजरें अंपायरों की, फ्री हिट का इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर दत्ता बड़गुसर का। दत्ता बड़गुसर और सूरज गायकवाड़ हैं अंपायर। फ्री हिट वाली गेंद, तेज गेंद और डॉट गेंद, बीट हुए सचिन डायमंड।
रन संख्या वहीं पर 63, 6 विकेट के नुकसान पर 22 गेंदे 37 रन। क्या मुकाबला हो रहा है। इसके बाद आज के दिन रात्रि का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा सौदागर सिटी कंस्ट्रक्शन वर्सेस पाकिजा राज ग्रुप। एक और बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, गुड लेंथ डिलीवरी, शॉट ऑफ गुड लेंथ, बहुत शानदार गेंद, तेज गति की गेंद, 21 गेंदे 37 रन, सिक्सर लगा। हेलो, इसी बीच बहुत अच्छा स्ट्रोक यहां पर कमर के उस सर के ऊपर से गेंद को खेला, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन, शानदार। बहुत तेज स्ट्रोक था, गेंद उनसे रुकी नहीं, गेंद निकल गई डीप कवर, बाउंड्री से बाहर, 4 रन। रन संख्या 67, 20 गेंदे 33 रन। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, शॉर्ट पिच बाउंसर, डॉट गेंद, 19 गेंदे 33 रन, जबरदस्त मुकाबला। शुभम दुग्गड़ हमसे दूर जाते हुए, एक और डॉट गेंद से ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर से एक सिक्सर, एक बाउंड्री, कुल 13 रन।
बेटा फिल्म का वो सॉन्ग जिस पर माधुरी दीक्षित बड़े ही ठुमके लगाकर कहती है धक धक करने लगा, दोनों खेमे में धक धक कि क्या होगा, कौन जीतेगा ये मुकाबला। धड़कन एक तेज होती हुई, कोई हार्ट के मरीज अगर मुकाबले को देख रहे हैं तो वो ना देखे तो बेहतर है। देखने की जिद कर ली है तो सीधे हाथ में बिस्लरी का बॉटल रखें, दाया हाथ अपनी जेब में डालें और अपनी टैबलेट बाहर निकालें, कुछ भी हो सकता है। बड़ा जबरदस्त मुकाबला, भारी मात्रा में दर्शक मैच का आनंद दे रहे हैं। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान यहां पर आए सभी दर्शकों का कमिटी की ओर से प्रत्येक कदमों पर स्वागत करता हूं। स्ट्राइक पर विजय बोराड़े, 6 गेंदे 10 रन, आकाश लाके हैं गेंदबाज। फिर से विकेटकीपर ने अब रोका, फील्ड प्लेसमेंट पे नजर डाले तो ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, एक मिनट रुकिए, ये जो डगआउट में खिलाड़ी खड़ा है आप बैठ जाएं, बैठ जाइए, आप जर्सी में है, टीम जर्सी में। ये गेंद ऑफ्टम से बाहर, डॉट गेंद, 5 गेंदे 10 रन। गेंदे बची हैं 5 रन चाहिए 10, मुकाबला बड़ा जबरदस्त, स्कोर वहीं पर 90 रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा दोनों टीमें तैयार रहेगी और लाइनअप करेगी इस मैच के बाद, तुरंत बाद मैदान पर जाकर, क्योंकि हमारे गेस्ट आ चुके हैं। 5 गेंदे 10 रन, एक और डॉट यहां पर, विकेट कीपर पूरी तरह से गैदर नहीं कर पाए, शायद यहां पर 22 का इशारा होगा। बल्लेबाज गेंद को खेलने से चूके, विकेट कीपर इस गेंद को रोकने से चूके, लेकिन नहीं चूके तो वे थे अंपायर सूरज गायकवाड़, उनका इशारा हुआ 22 का, रन संख्या 91। अब रन चाहिए 9 गेंदे बची हैं 4, अब क्या होगा मेरे यार, क्योंकि रन चाहिए 9 गेंदे बची हैं 4। जबरदस्त मुकाबला, कोई भी जीते कोई भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत हो तो क्रिकेट की जीत हो, और हो रही है यहां पर इस मैदान पर क्रिकेट की जीत। शानदार मुकाबला, इसके साक्षी बनने के लिए आए हैं जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब, बड़े ही भाग्यशाली हैं, हमारे गेस्ट हैं वे अगले मुकाबले के टॉस के लिए। थर्ड मैन सर्कल के अंदर, सचिन डायमंड स्ट्राइक पर, ये गेंद रेंज में थी, उसे खेला, गेंद जा रही है, रुकेगी नहीं, गेंद बाउंड्री, मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से। अब यहां रन चाहिए 5 गेंदे बची हैं 3, तो दर्शकों की उड़ गई है नींद, क्योंकि गेंदे बची हैं 3, रन चाहिए 5, लाखे चले, ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में, पहला रन लिया, दूसरे के लिए क्या जाएंगे, जी नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, शानदार थ्रो। अब गेंदे बची हैं 2 रन चाहिए 4, अब क्या होगा मेरे यार, क्या कहीं हम एक सुपर ओवर की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर सुपर ओवर हुआ और मुकाबला टाई हुआ तो दोस्तों कमेंटेटर नासिर बागवान की जिंदगी का 295वां टाई मुकाबला होगा। 20 वर्षों से अब तक मेरे कमेंट्री के दरमियान 294 मुकाबले टाई हुए हैं, पहले सुपर ओवर नहीं हुआ करते थे। वतन मेरा मंटा है, रहता हूं फिलहाल भिवंडी मुंबई में, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी लगातार मैं अपनी सेवाएं देता हूं। 2 गेंदे 4 रन, विजय बोराड़े स्ट्राइक पर, लाखे चले,
इस बार दौड़ रहे रन के लिए, गेंदबाज को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और यहां पर मौका जाता रहा, दौड़ गए एक रन के लिए। तीसरे अंपायर के लिए डिसीजन रेफर, हेलो, तीसरे अंपायर की तरफ यह डिसीजन सुपुर्द हुआ है, अंपायर चेक कर रहे हैं। थर्ड अंपायर हैं सैयद सरफराज सर। फेयर डिलीवरी। अब यहां अंतिम गेंद बची है, 22 के रूप में एक रन मिला है, एक गेंद बची है, रन चाहिए 3। दोनों खेमों में डगआउट में उड़ गई है नींद, क्योंकि रन चाहिए 3। वाकई में बहुत खुशनसीब है आप अब्दुल रशीद पहलवान साहब, बिल्कुल सही समय पर आपका आगमन हुआ है। क्या शानदार मुकाबला, जितने शानदार हमारे गेस्ट हैं उतना ही ये शानदार मुकाबला हो रहा है। होटल सारथी पैलेस मशहूर व मारूफ हैं जालना शहर में, औरंगाबाद रोड पर होटल सारथी पैलेस के वे मालिक हैं, जिन्हें हमें जहां पर ठहराया गया है हम उनके शुक्रगुजार हैं। बड़ा ही खूबसूरत उनका होटल सारथी पैलेस है। एक गेंद 3 रन, स्ट्राइक पर हैं सचिन डायमंड, आकाश लाखे हैं गेंदबाज। दोनों खिलाड़ियों को मौका है हीरो बनने का, गेंदबाज को भी और बल्लेबाज को भी। लाखे चले, ये गेंद उसे खेला, फॉलंत्रो में अच्छी फील्डिंग, वहां पर गेंद छिटक गई, पहला रन लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, थ्रो हो रहा है लेकिन कहां, और ये लीजिए मुकाबला सुपर ओवर में। कमेंटेटर नासिर बागवान के जिंदगी का 295वां मुकाबला टाई, जोरदार टाई। अब्दुल रशीद पहलवान साहब, देखिए नासिर साहब आते ही ग्राउंड पर कैसी रौनक आ गई है, पहली बार मैच टाई हुआ इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, ये है, ये हस्ती है ही ऐसी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, काफी मशहूर और मारूफ आली जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब। सुपर ओवर उन्हें देखने को मिल रहा है और हम कमेंटेटर की दूर दृष्टि होती है, जैसे ही 3 विकेटें गिरी थी और चौथी विकेट गवाई थी दालमिया 11 ने, तभी हमने बताया था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक चलने वाला है और हुआ भी ऐसा। स्कोर हुआ लेवल, मुकाबला टाई हुआ सुपर ओवर में। सुपर ओवर का नियम यह कहता है कि जिसने अंत में बल्लेबाजी की वही अब पहले बल्लेबाजी के लिए आएंगे। 3 खिलाड़ियों के नाम देना पड़ेगा कि कौन से 3 खिलाड़ी बल्लेबाजी करेंगे, और गेंदबाजी वाली टीम को एक गेंदबाज का नाम देना होगा कि कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करेगा। उसके बाद जो बल्लेबाजी के लिए वो टीम आएगी उन्हें भी अपने 3 बल्लेबाजों के नाम देने होंगे। 2 विकेटें गिरती हैं तो मुकाबला फिनिश। सुपर ओवर, दर्शकों बड़ा शानदार मुकाबला है, मोबाइल जेब में लेकर क्या कर रहे हैं, अरे निकालिए बाहर,
और शूट कीजिए इस ओवर को। बड़ा जबरदस्त यह मुकाबला होता हुआ, इसको शूट कीजिए ये शानदार लम्हे को। सुपर ओवर, औरंगाबाद से पूर्व बेहतरीन क्रिकेटर अतीक नायकवाड़े सर भी यहां पर पहुंचे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।